nice time. Excuse me? Hello? Hello? ये रात के इस टाइम पे इस जगह पे आप क्या कर रही हैं? हेलो, कुछ बोलेंगे आप? हेलो, अजीब लड़की थी। में आपको खुश आमदीद। और आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हॉरर सीन को, खासकर डिमोन फेस, डिमोन आई डोंट नो द प्रोनंसिएशन, लेकिन खौफनाक चेहरा आप कैसे बना सकते हैं वो हम जानेंगे आज के ट्यूटोरियल में। तो कोई भी सवाल आप पूछना चाहें आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद है, एक्सप्रोविस नावला के नाम से ही। तो इसके दो हिस्से हैं इस ट्यूटोरियल के, एक वो कि हमने इसको शूट कैसे किया और दूसरा ये कि हमने इसको पोस्ट प्रोडक्शन यानी एडिट कैसे किया, जिसके बाद जो फाइनल सीन जो आपने देखा है वो क्रिएट हुआ है। तो पहले चलते हैं इस शूट पे कि हमने इसको शूट कैसे किया। और राम से कह तो मुझे नहीं लग पड़ी है यार, वो तो वैसे ही देख के डर लग रहा है। ये ओके यार क्या है? ओके ओही जोर से क्यों कर रहे हो यार? हम मुझे घर में चले क्यों बनाते हो? कौन हो? इस सीन में दरअसल तीन मुख्तलिफ इफेक्ट हैं जिनके ऊपर हमने काम किया है। एक ये जहाँ पर फेस जो है लड़की का वो थोड़ा सा हॉरर हो जाता है। दूसरा इम्पैक्ट ये कि मेरे मुंह से जो उंगलियां निकल रही हैं और तीसरा फैक्ट है जहां पर अचानक गाड़ी के अंदर लड़की आ जाती है, या आप कह सकते हैं कि चुड़ैल अपीयर होती है। ये तीन इफेक्ट हैं जिसका मैं आपको बताता हूँ कि हमने शूट कैसे किया है। पहला सीन जिसमें फेस हॉरर होता है, इसके अंदर शूट हमने इस तरह से किया था कि सिंपल एक डरोने वाला एक्शन करना है, बाकी फेस तो जाहिर है जो था एग्जैक्टली वैसा ही था। इसको हमने बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर किया था। दूसरा सीन ये जिसके अंदर उंगलियाँ मेरे मुँह से निकल रही हैं, ये सीन हमने शूट किया था कि मैंने अपने हाथ का अलग सीन लिया था जो ग्रीन स्क्रीन के बैकग्राउंड पे लिया था, और दूसरा मैंने जस्ट अपना एक्ट किया था। ये दो सीन को हमने कैसे मर्ज करना ये हम आपको पोस्ट प्रोडक्शन में बताएंगे। तीसरा इम्पैक्ट हमने शूट जो किया है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें ये है कि आपने एक जगह पे कैमरा फिक्स कर देना है, ट्राइपॉड को लॉक कर देना है ताकि हिले ना कैमरा। पहला सीन ये है कि मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, साथ में जाहिर आप देख सकते हैं कि सीट बिल्कुल खाली है, और थोड़ी देर के बाद मैंने इम्पैक्ट ये दिया है जैसे अचानक जो है चुड़ैल गाड़ी के अंदर बैठ गई और मैं डर गया हूँ। और दूसरा इसका सीन हमने शूट ये किया है कि मैं उठ गया हूँ और लड़की को बिठा दिया, और लड़की का हमने एक्शन उस तरह का रिकॉर्ड किया जैसे लगे कि अचानक गाड़ी के अंदर बैठी है। ये सीन हमारा मुकम्मल हो गया और अब हम इसको एडिट करेंगे। ये तीन शॉट हमने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इसके अंदर तीन इफेक्ट ही हैं जो हमने इन तीनों शॉट के ऊपर यूज़ करने हैं। बाकी आपका अपना स्क्रिप्ट है, जिस तरह की मर्जी आप स्टोरी बना सकते हैं। तो इन तीन शॉट के ऊपर हमने काम कैसे किया वो चलते हैं हम पोस्ट प्रोडक्शन में और बताते हैं कि हमने इसको एडिट में कैसे किया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने ये जो अचानक चुड़ैल गाड़ी के अंदर बैठ जाती है ये कैसे हमने सीन जो है वो एडिट किया है। इसका एडिट बहुत ही आसान है, सिंपल मास्किंग है हमारी। तकरीबन जितनी वीडियो इसमें पड़ी हुई हैं ये मास्किंग के ऊपर ही हैं। मास्किंग बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है जिसमें आप दो चीज़ों को एक मिला सकते हैं, यानी दो वीडियो कट को एक वीडियो बना सकते हैं। बस इसके लिए ये चाहिए होता है कि कैमरा जो है वो आपको हेलेना ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने इसका शूट किया था तो हमने फिक्स शूट किया था। अब इसका एडिट हमने इस तरह से किया है कि जहाँ पर मुझे और लड़की को अलग अलग शूट किया था, हमने मास्क करके लड़की वाले हिस्से को जहां पे मैं बैठा हूं उसके साथ हमने फिक्स कर लेना है। तो मास्किंग के जरिए ये दो शॉट दरअसल अब एक शॉट हो गया है। इसके अंदर बस अब मैंने मैचिंग सिंपल ये की है कि जहां पे लड़की का आना गाड़ी के अंदर
जैसे ही होता है उसके बाद जो मेरा एक्शन है उसके साथ मैचअप किया है, और दो शॉट जब एक शॉट हो गया है तो जो हमारा सीन का क्रिएट करना था जो इम्पैक्ट, वो इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे इम्पैक्ट में, जहां पर चुड़ैल जो है मेरे बाल खींचती है और मेरे मुंह से हाथ निकलता है। ये भी बहुत ही आसान है और ये भी सिंपल मास्क है। इसमें जस्ट आपने ये देखना है कि जैसे जैसे मेरे फेस की मूवमेंट है और साथ में जैसे जैसे मैं मुंह खोल रहा हूँ उसके मुताबिक जो हाथ अपीयर होता है उसको लगाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने हाथ का सीन जो है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर किया है। ग्रीन स्क्रीन से ये होता है कि ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके हम उस सीन को कहीं भी फिट इन कर सकते हैं, मगर मेरा जो हाथ है वो फेस के साथ मैचअप नहीं कर रहा था, तो फिर हमने किसी वेबसाइट से हाथ का सीन अलग ले लिया था तो उसको फिर फेस के साथ मैचअप किया। जैसे जैसे मेरा मुंह खुल रहा है वैसे वैसे जो हाथ की उंगलियां हैं वो जो हैं वो नमूदार कह लें या अपीयर हो रही हैं। तो आपने इसको मास्क करना है। सबसे पहले मेरी जो पोजीशन है कि मैं मुंह खोल रहा हूँ तो जितना जितना मेरा मुंह खोल रहा है उतनी उतनी उंगलियाँ भी बाहर आती दिखाई दे रही होंगी, यानी हर फ्रेम के साथ हमने उंगलियों को मैचअप किया है कि जितना मुंह खोल रहा है अगले फ्रेम में उंगली ज़्यादा उससे दिखेगी, उसके अगले फ्रेम में उंगली ज़्यादा उससे दिखेगी, यानी आपने हर फ्रेम के साथ उंगली का साइज जो है उसको बढ़ाते रहना है। ये फ्रंटल शॉट भी है और साइड शॉट भी है, दोनों का जो हमने एडिट किया है उसका तरीकाकार सिंपल यही है। अब हम तीसरे इम्पैक्ट की बात करते हैं जिसमें गाड़ी में बैठी लड़की अचानक चुड़ैल बन गई है। ये हमने आफ्टर इफेक्ट के ऊपर इसका किया है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, इसको हम प्रीमियर के ऊपर भी कर सकते हैं मगर आफ्टर इफेक्ट पे थोड़ी सी आसानी है। तो इसके अंदर हमने मोका जो एलिमेंट है उसको यूज़ किया है। बेसिकली आपने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इसको लड़की का जो फेस है उसको हमने ट्रैक किया है, यानी हमने इसकी मूवमेंट ट्रैक की है क्योंकि हमने इस फेस के ऊपर चुड़ैल का फेस या उस टाइप का जो हॉरर फेस है वेनम फेस वो हमने इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हमने फेस को ट्रैक कर लेना है, हमने मौका लगा के इसको ट्रैक किया है फेस की मूवमेंट को। चूंकि ये सिर्फ 2-2.5 सेकंड का शॉट है तो इसकी मूवमेंट जो बहुत ही छोटा सा सीन है तो इसकी मूवमेंट ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। सबसे पहले आप देखें कि हमने मौका लगा के हमने इसके फेस ट्रैक कर लिया है। उसके बाद हमने चूंकि फेस को मास्क किया हुआ है तो इसका फैदर और चीज़ें इसकी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेनी है, जो कि किसी भी मास्किंग के अंदर हम इसका फैदर वगैरह सेट करते होते हैं। उसके बाद अब मेन चीज़ है कि हमने इस फेस को हमने वेनम या ड्रोने फेस के साथ रिप्लेस करना है। तो हमने अनसप्लैश से ये पिक्चर उठाई थी, आप भी इस तरह की कहीं से भी हॉरर फेस ले सकते हैं, किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लिप्स को आईज को और चिक्स को अलग अलग इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही आसान तरीका है कि आपने एक पिक्चर लेनी है पूरे के पूरे फेस की। और हमने इसी तरह ही से किया था कि अनसप्लैश से हमने पिक्चर ली थी, ये जो पिक्चर आप दिखाई दे रही है इसका फिर हमने ओपेसिटी कम करनी है। चूँकि हमने इसको फेस मूवमेंट के साथ मैचअप करना है, ज़ाहिर है कहीं पर हमने इसको इसके साइज़ को बड़ा छोटा करना है फेस को, तो हमने इसकी ओपेसिटी कम करके फेस के ऊपर पेस्ट करना है और फेस की मूवमेंट के साथ इसको एडजस्ट करना है। जब इसके फेस के मूवमेंट के साथ एडजस्ट हो गया की फ्रेमिंग के जरिए, उसके बाद इस फेस की जहाँ जहाँ मूवमेंट होगी तो हमें एक्चुअल फेस के बजाय ये जो हॉरर फेस है यही दिखाई देगा, और इसी से ही जो हमारा जो सीन है ये हॉरर वाला ये हमने इस तरह से इसको पोस्ट एडिट में क्रिएट किया था। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ के ऊपर आप चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल बताएं, किसी फिल्मी सीन के ऊपर या किसी और क्रिएटिव वीडियो के ऊपर, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर नॉक करके बता सकते हैं या कमेंट में भी इस वीडियो के आखिर में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अगला जो सीन है वो उसी तरह ही क्रिएट करें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।